नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब यह बर्ताव बिल्कुल भी नहीं चलेगा। करीब ढाई दशक से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। आप पिछले 8 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर आपका बर्ताव कुछ इस तरह से है मानो आप अब भी विपक्ष में हैं। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर करारा प्रहार किया है और राहुल गांधी का नाम लिए बगैर गुजरात अस्मिता का सवाल उठा डाला है। दोस्तों, जी हां, वही चिर परिचित राग गुजरात अस्मिता, वो मुद्दा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2002 से उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा, राहुल गांधी का नाम लिए बगैर, कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे लोगों के साथ चल रहे हैं जिन्होंने गुजरात अस्मिता को ठेस पहुंचाई। उनका जिक्र है मेधा पाटकर की तरफ। उनका यह कहना था कि मेधा पाटकर, बगैर उनका ऑफकोर्स नाम लिए, कहा इन्होंने नर्मदा बांध में अड़चने डाली। प्रधानमंत्री, आज कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि दरअसल कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब आपको देना है, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ गुजराती अस्मिता का नहीं है, यहां देश के अस्मिता का सवाल है। और आज जो सवाल मैं प्रधानमंत्री से पूछने वाला हूं, उसका नाता देश की इज्जत और गुजरात की इज्जत दोनों के साथ है। मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सुने जिसमें वो मेधा पाटकर और राहुल गांधी दोनों पर हमला बोल रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर प्रहार कर रहे हैं। क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, आइए सुनते हैं। ये बहन जी आंदोलन चलाता ना, एमना खबे हाथ मुकी ने गई काले कांग्रेस ना एक नेता पदयात्रा करी रहा था। जरा कांग्रेस वाला वोट मांगवा आवे तारे पूछो का नर्मदा विरोधियों ना खबे हाथ मुकीन तमे दौड़ो जो आ नर्मदा ना हो तो अमरु कच्छ काठियावाड़ नु शू थयुं होत। एमना खबे हाथ मुकनारा लोको कया मोड़े तमे वोट मांगवा आया छो अमारे त्यां? आ सवाल पूछो भाईओ, जोरो थी पूछो बधा कांग्रेस वालाओं ने। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री गुजराती में यही बोल रहे थे कि भाई जिन लोगों ने नर्मदा बांध में अड़चने डाली, राहुल गांधी उनके साथ क्यों चल रहे हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा में, और जब वो वोट मांगने आए तो ये सवाल उनसे जरूर कीजिएगा। मगर प्रधानमंत्री, जो सवाल आपसे किए जाने चाहिए उन सवालों का क्या? एक एक करके वो सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। दोस्तों, देश के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब हमारे प्रधानमंत्री की तुलना दूसरे देशों के तानाशाहों के साथ हुई है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने वाला हूं। आपके स्क्रीन पर यह है सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान। अमरीकी विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा गया कि मोहम्मद बिन सलमान को आखिर अमेरिका में प्रवेश की क्यों अनुमति दी गई, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान पर आरोप है कि उन्होंने सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी को मौत के घाट उतार दिया था। यह सवाल वहां के पत्रकारों ने उनसे किया। आप जानते हैं जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? उन्होंने कहा यह पहली बार नहीं है जब इस तरह के नेताओं को, इस तरह के हेड्स ऑफ स्टेट को अमेरिका आने की इजाजत मिली है। उन्होंने 3 और नाम लिए। उन्होंने जिम्बाब्वे के पूर्व तानाशाह रॉबर्ट मुगाबे और कांगो के पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह जोसेफ कबीला का नाम लिया। और तीसरा नाम जिसका उन्होंने जिक्र किया वो था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह कहते हुए कि पहली बार हम ऐसे शख्स को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहे हैं, इससे पहले हमने 3-4 और लोगों के संदर्भ में उन्हें अमेरिका में प्रवेश की अनुमति दी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम 2 तानाशाहों के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह देश की साख पर सवाल नहीं है तो क्या है? यह देश की इज्जत पर धब्बा नहीं है तो क्या है? क्योंकि हम अपने आप को कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और इस लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का नाम 2 तानाशाहों के साथ लिया जा रहा है जिन्होंने जबरदस्त मानवाधिकार हनन किया था।
सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा क्या, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। Various officials across the world is that this is not the first time that the United States has done this. It is a long-standing and consistent line of effort. It has been applied to a number of heads of state previously. Some examples, President Aristide in Haiti in 1993, President Mugabe in Zimbabwe in 2001, Prime Minister Modi in India in 2014, and President Kabila in the DRC in 2018. This is a consistent practice that we have afforded to heads of state, heads of governments, and foreign ministers. सुना आपने, प्रधानमंत्री का नाम जोसेफ कबीला के साथ और रॉबर्ट मुगाबे के साथ। प्रधानमंत्री, कुछ देर पहले आप गुजराती अस्मिता की बात कर रहे थे, यहां तो आपके सामने सीधा सवाल है देश की इज्जत के बारे में, देश की अस्मिता के बारे में। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि रॉबर्ट मुगाबे और जोसेफ कबीला कौन थे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूं कांगो के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला के साथ। जोसेफ कबीला पर आरोप है कि बतौर राष्ट्रपति उन्होंने कई मानवाधिकार हनन किया था। यही नहीं, उनकी सेना ने चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर मानवाधिकार हनन किया था। आरोप यह भी थे कि बड़े पैमाने पर लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। यह आरोप था जोसेफ कबीला पर। उसी जोसेफ कबीला के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम लिया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह देश की इज्जत पर सवाल नहीं है? क्या यह देश की साख पर भट्टा नहीं है? अब मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं रॉबर्ट मुगाबे के साथ, जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति। रॉबर्ट मुगाबे कहने को राष्ट्रपति थे मगर तानाशाह थे। इन पर जबरदस्त ह्यूमन राइट्स वायलेशन का आरोप था। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि रॉबर्ट मुगाबे की एक बहुत ही खतरनाक सेना होती थी जिसका नाम था फिफ्थ ब्रिगेड। आप जानते हैं फिफ्थ ब्रिगेड पर क्या आरोप था? फिफ्थ ब्रिगेड पर आरोप था कि उन्होंने करीब 80,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 80,000 नागरिकों को, वो नागरिक जो रॉबर्ट मुगाबे की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखते थे। आज अमरीकी विदेश मंत्रालय ने हमारे प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं इन दो तानाशाहों के साथ जोड़ दिया है। तीन लोगों के साथ उनका नाम जुड़ रहा है। मोहम्मद बिन सलमान, जिन पर आरोप है एक पत्रकार की हत्या का। रॉबर्ट मुगाबे, जिन पर आरोप है 80,000 लोगों को मौत के घाट उतारने का। जोसेफ कबीला, जिनका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को लेकर। आज उनके साथ देश के प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जा रहा है। सीधा सवाल बताइए प्रधानमंत्री, आप तो गुजराती अस्मिता की बात करते हैं, आपका पूरा प्रचार तंत्र कहता है कि जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं देश का डंका पीटा जा रहा है। क्या इस तरह से देश का डंका पीटा जा रहा है? क्या इस तरह से देश का नाम जो है वो आसमान पर पहुंच गया है? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को जोड़ा जाएगा तानाशाहों के साथ? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री हो गए तो यह बहुत बड़ी भूल होगी। याद कीजिए मनमोहन सिंह ने उस वक्त क्या कहा था, सुनते हैं। डिस्कसिंग द मेरिट्स ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, आई सिंसियरली बिलीव दैट इट वुड बी डिजास्टर्स फॉर द कंट्री टू हैव नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर। आज मैंने आपके सामने जो मुद्दा रखा उसका सीधा नाता देश की अस्मिता के साथ है। अब जो मैं मुद्दा आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो है गुजरात की अस्मिता को लेकर। चुनावों से ठीक पहले आप सब जानते हैं मोरबी हादसा हुआ। एक पुल जो कुछ ही दिनों पहले खुला था और भर भरा कर गिर गया। 135 लोग मारे गए थे, करीब 50 बच्चे। ऐसा लग रहा है कि उस मुद्दे का कोई असर चुनावों पर नहीं है, क्योंकि गुजरात की जनता को भी बाकी देश की तरह धर्म का धतूरा इस तरह से चटाया गया है कि वो मोरबी हादसे पर बीजेपी से सवाल ही नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री, आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि आपने कुछ देर पहले गुजराती अस्मिता का सवाल उठाया था। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पर यह है जयसुख पटेल, ओरिवा ग्रुप के प्रमुख। वो ओरिवा ग्रुप जिन्होंने मोरबी पुल बनाया था,
जयसुख पटेल का नाम पुलिस एफआईआर में नहीं है, वो बात छोड़िए, जयसुख पटेल फरार बताए जा रहे हैं। जयसुख पटेल उस अजंता वॉल क्लॉक से जुड़े हुए हैं जो बीजेपी के बेहद करीब है, मगर ये फैक्ट्स, ये तथ्य देश की जनता के सामने कौन लाएगा, कौन लाएगा? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं, मोरबी पुल हादसा जब हुआ था तब तमाम न्यूज चैनल्स बोल रहे थे प्रधानमंत्री मरहम लगाने आए हैं, प्रधानमंत्री आंसू पोंछने आए हैं, मोरबी के अस्पताल प्रधानमंत्री पहुंचते हैं उससे पहले वहां का रंग रोगन शुरू हो जाता है, सामने वाली सड़क की मरम्मत की जाने लगती है, इनका पालतू मीडिया दोष मढ़ने लगता है जो लोग मर गए हैं। मैं नहीं भूला हूं, इनका एक पालतू पत्रकार ये तक कह रहा था कि दोष उन लोगों का है जो उस पुल पर थे। सुनिए उसने क्या कहा था, सुनिए। इसके अलावा इस दुर्घटना के लिए जो वहां लोग मौजूद थे उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोगों को ये बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि क्या बीजेपी से सवाल किया जाएगा जब इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है लोगों को? मैं आज ये मुद्दा क्यों उठा रहा हूं इस पर गौर कीजिएगा। एक तरफ जयसुख पटेल फरार है, मगर आप जानते हैं दूसरी तरफ क्या हो रहा है। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं, कुछ मजदूरों की गिरफ्तारी की गई है जिन्हें दिन का 100 रुपए मिल रहा था। एनडीटीवी की तनुश्री पांडे की रिपोर्ट है दोस्तों, जिस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तनुश्री पांडे ने उन मजदूरों के परिवारों से बात की है जो मजदूर मोरबी पुल हादसे के लिए जेल में है। उनका काम सिर्फ यह था कि वो पुल के दोनों तरफ खड़े थे, सिक्योरिटी का उनका जिम्मा था और कुछ नहीं था। उन्हें दिन का 100 रुपया मिल रहा था, जैसा कि तनुश्री पांडे ने अपनी रिपोर्ट में कही है। इस रिपोर्ट के अंदर तनुश्री उनके परिवार के सदस्यों से बात कर रही है जो रो रहे हैं, यानी कि गरीब मजदूरों को जिन्हें दिन का 100 रुपया मिलता था उन्हें तो आपने गिरफ्तार कर लिया, मगर जयसुख पटेल अब भी फरार है। बताइए क्या इससे गुजराती अस्मिता को 4 चांद लग रहे हैं? बताइए बताइए, ये सवाल है, इनका जवाब दिया जाना चाहिए। मेधा पाटकर पर आप सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर आप हमला बोल रहे हैं, मगर मुझे बताइए जयसुख पटेल फरार गरीब जेल में, क्या इससे गुजराती अस्मिता को 4 चांद लगते हैं मोदी जी या नहीं लगते हैं? जो मुद्दा मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में उठाया था कि अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे प्रधानमंत्री को जिम्बाब्वे और कांगो के तानाशाहों के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है, क्या इससे देश की इज्जत जो है उसे 4 चांद लग रहे हैं? ये सवाल है, बुरा लग रहा होगा आपको, बुरा लग रहा होगा, मगर जो मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं वो इंडिस्प्यूटेबल हैं। ऐसे तथ्य हैं जिसे गलत नहीं बताया जा सकता, बाकायदा मैंने आपके सामने बात रखी है। मुझे आप बताइए ना, जयसुख पटेल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? इतनी तो नाकारा नहीं है गुजरात पुलिस? ये सवाल है जिनसे बचा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री आप बार बार पिछले 8 सालों में ये नहीं कह सकते कि मुझे 2 से 3 किलो गालियां रोज पड़ती हैं, हर बार वही चीज, हर बार वही रुदाली, हर बार यही कि मुझे पूरी दुनिया मार रही है, मुझे पूरी दुनिया मुझे गालियां दे रही है। आपके जो अंधभक्त हैं उनको इस तरह से ब्रेन वॉश किया जा चुका है कि देखिए हमारे मोदी जी तो काम करना चाहते हैं मगर लोग उन्हें काम नहीं करने देना चाहते। मोदी जी, अगर आपको दुनिया रोज 2 से 3 किलो गाली देती है तो यह ना भूलें कि जो आपके आलोचक हैं उनका क्या हाल कर दिया है आपने। कई लोग 2 से 3 साल तक जेल में बंद हैं। जो पत्रकार आपसे सवाल करते हैं उन्हें या तो इनकम टैक्स विभाग या प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी वो पुरस्कृत करता है, वो परेशान करता है। आप किन 2 से 3 किलो की गालियों की बात कर रहे हैं? भाजपा का प्रचार तंत्र तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे अश्लील प्रचार तंत्र है। गंदी गंदी गालियां देने में कोई मिसाल नहीं है इन लोगों की। महिलाओं के बारे में आपके अपशब्द, मृत पत्रकारों के बारे में आपके अपशब्द, ना आपके प्रचार तंत्र ने विनोद दुआ को बख्शा, ना गौरी लंकेश को बख्शा, किसी को नहीं बख्शा आपने। और फिर आप कहते हैं कि मुझे 2 से 3 किलो गालियां पड़ती हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, और खासकर नंद भक्तों से,
क्योंकि प्रधानमंत्री तो ये दावा करते हैं ना मेरे 56 इंच का सीना है। तो जो व्यक्ति प्रतीकात्मक तौर पर 56 इंच का सीना होने का दावा करता है, आखिर वो व्यक्ति आलोचना को लेकर इतना सेंसिटिव क्यों है? एक हिंदी का शब्द है छुई मुई, इतने छुई मुई क्यों है मोदी जी आलोचना को लेकर? क्योंकि एक लोकतंत्र के अंदर आलोचना करने का अधिकार हर व्यक्ति को है, सवाल करने का अधिकार हर व्यक्ति को है। मोदी जी कोई गाली नहीं दे रहा है, और अगर गाली दे रहा है तो आपका भी इतिहास रहा है, जर्सी काओ, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मैं नहीं भूला हूं लोकतंत्र के अंदर आपने रेणुका चौधरी की हंसी को रामायण की किस महिला पात्र से उसकी तुलना की थी। तो ये तो तमाम तथ्य हैं हमारे सामने, इसलिए कम से कम आपको तो ये बिल्कुल भी कहने का अधिकार नहीं है कि आपको रोज 2 से 3 किलो गालियां पड़ती हैं। एक तरफ इस तरह से सहानुभूति अर्जित करना और दूसरी तरफ देश और गुजरात की अस्मिता की बात करना, ये दोनों ही बातें हजम नहीं होती हैं। जब आप गुजरात की अस्मिता की बात करें तो इस सीधे से सवाल का जवाब दें कि मोरबी पुल हादसे में गरीब क्यों है जेल में और जयसुख पटेल क्यों फरार है? अगर आप देश की अस्मिता की बात करते हैं तो मुझे बताइए, पहली बार हुआ है देश के इतिहास में जब हमारे प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जा रहा है तानाशाहों के साथ। इससे कोई देश की इज्जत नहीं उठ रही है। आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी मगर ये हकीकत है। अब भी वक्त है आम संवाद कायम कीजिए अपने विरोधियों के साथ, उन पत्रकारों के साथ जो आपसे सवाल करते हैं। याद रखिएगा, इतिहास कभी भी ऐसे लोगों को महापुरुष नहीं मानता जो विरोध की आवाजों को कुचलते हैं, दबाते हैं, ये हकीकत है, याद रखिएगा। न्यूज चक्र में बस इतना ही, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।